आज विदिशा रेलवे स्टेशन के साथ साथ देश के कई अन्य रेलवे स्टेशनों के उन्नयनीकरण के कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ऑनलाइन रूप से जुड़कर किया गया। विदिशा में 18.6 करोड़ रुपए की लागत से यात्री सुविधाओं में कई कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांसद रमाकांत भार्गव, जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादून, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कोरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। रेलवे की बात करें तो कांग्रेस सरकार में जहां बजट बहुत मामूली होता था, आज रेलवे का बजट जिस प्रकार से मोदी सरकार ने बढ़ाया और रेलवे का जिस तरीके से विकास हुआ, वह सब जग जाहिर है। वंदे भारत एक्सप्रेस परियों का उन्नयन, नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण, पुराने रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण आदि भी इस कार्य में शामिल है। इसके अलावा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी अपने उद्बोधन के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कई रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। अरे चेहरा, रेलवे के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि के कामों का हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन संपन्न किया है। विदिशा सहित 34 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, विकास होगा और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बढ़ोतरी की जाएगी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार कई तरह के विकास के काम कर रही है, लेकिन तकलीफ का विषय ये है कि हमारे प्रतिपक्ष को देश की प्रगति और विकास राष्ट्र नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है सबका साथ सबका विकास, मुझे इस अभियान में चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि सब विकास में मिलकर साथ दें। मध्य प्रदेश का संकल्प है कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश के विकास के काम को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।